मैं शालिनी भास्कर, प्रवक्ता, CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से TTC के तहत चल रहे इस वीडियो ई लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है चूड़ीदार पजामा। चूड़ीदार पजामा को हम ऐसे परिचय दे सकते हैं, यह पजामा जब आया तो मुगल काल में ये बहुत प्रचलित हुआ। बच्चे व पुरुष इस काल में धारण करते थे, किंतु समय के अंतराल में लड़कियां व महिला भी इसे पहनने लगी। ये दो प्रकार से होते हैं। पहला, इसको हम कहते हैं थैली को काट द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, उसे समोसा कट द्वारा बनाया जाता है। इसमें कपड़ा कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं? पॉपलिन, लट्ठा, टापटा, प्रिंटेड व प्लेन सैटन कपड़ा आदि कपड़ों से इसको हम बना सकते हैं। इसमें हम एस्टिमेशन निकालें तो इस कपड़े का अनुमानित जो कपड़ा है वो कितना होगा। यह पजामा 90 सेंटीमीटर अर्ज में से अच्छा बन सकता है, किंतु यदि कम अर्ज है तो यदि अगर इसमें हम कह सकते हैं कि कम अर्ज है तो भी बना सकते हैं। जितना सेंटीमीटर हमारा कम होगा तो हम क्या करते हैं, हिप से उतने ही सेंटीमीटर लंबाई में अधिक लेते हैं। यह अंतर केवल 20 सेंटीमीटर तक ही करना चाहिए, अन्यथा थैली का कपड़ा एकदम से बेकार या कचरीप हो जाएगा। ठीक, यदि अर्ज हिप से अधिक है तो भी हम 0 से 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई कम रखते हैं और बन जाता है। यहाँ हम पजामे की थैली बनाकर काटना बता रहे हैं, अतः थैली बनाने के लिए कपड़ा चौड़ाई में तो हिप के बराबर तथा लंबाई में ग्राहक की लंबाई के 1.5 गुना लंबा लेते हैं। जैसे हमने छोटा सा एग्जांपल दिया कि हम 0 से 1 हम जितना लेते हैं ग्राहक की लंबाई का 1.5 गुना कपड़ा, और 0 से 2 हम लेते हैं हिप के बराबर की चौड़ाई वाला कपड़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम थैली बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है, इसको हम थैली बनाते हैं तो कैसे है। अभी हमने क्या कहा कि जो हम चौड़ाई लेते हैं वो हम हिप की चौड़ाई लेते हैं, जो हिप की चौड़ाई तो उसके बराबर लेते हैं, और लंबाई हम ग्राहक की से 1.5 गुना लंबाई लेते हैं अधिक। अब हम क्या बता रहे हैं कि इसको बनाते किस तरह, बताई गई विधि से थैली का कपड़ा लेते हैं, हमने बताया उसके अनुसार। फिर हम दूसरा कहते हैं हिप की चौड़ाई को आधार बना करके सिलाई करते हैं। दोनों तरफ हम जो उसके जॉइंट है चौड़ाई को उसको सिल लेंगे, दोनों सिरों को अर्थात चौड़ाई को शुरू से अंतिम छोर तक हम स्टिच कर लेंगे। फिर कपड़े की जुड़ी हुई तरफ से थैली की चौड़ाई में क्या करते हैं, बॉटम का हाफ प्लस सीट का हाफ प्लस 4 सेंटीमीटर इसको टोटल करके हम रखकर थैली की सिलाई करना शुरू करते हैं। इस प्रकार थैली बंद होकर तैयार लंबाई से कम 1/4 इंच जो हमारा 1/4 हिप है उसे फालतू ही एक्स्ट्रा में तैयार होता है। अब इस थैली को अच्छी प्रकार लंबाई व चौड़ाई में नाप कर चौड़ाई वाले सिरे से काट कर थैली को घुमा लेते हैं। ये तो हो गया हमारा पूरा प्रोसेस किसका, जो हम थैली बनाते हैं। अब इसका हम ड्राफ्ट देखते हैं कि इसका ड्राफ्ट कैसा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राफ्ट के लिए हमने मेज़रमेंट लिया, जो इसके हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं चूड़ीदार पजामे की, तो इसके लिए मेज़रमेंट हमने क्या क्या लिया है। सीट लिए हमने 36 इंच, 91 सेंटीमीटर, नी हमने 15 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर ये हमने इंचेस में लिया है, और ये हमने 38 सेंटीमीटर।
काफ हमारा 14 इंचेस है और 35 सेंटीमीटर हमारा काफ, बॉटम 12 इंचेस, लेंथ हमारी 40 इंचेस। ठीक है, अब इसको हम बनाते किस तरीके से हैं वो देखते हैं। देखिए हम 0 to 1 हमारी टोटल लेंथ जितनी भी है हमारी 40 के आसपास जो लेंथ है वो लेते हैं। 1 to 1 dash हमारा फोल्डिंग रहती है। ठीक है, और 0 to 2 हमारी टॉप फोल्डिंग रहती है, जो हमारा हम नेफा तैयार करते हैं। ये हमारी बॉटम फोल्डिंग हो गई, ये हमारा टॉप फोल्डिंग हो गई। क्या करते हैं 0 to 3, सबसे पहले हम 0 to 3 जो भी लेते हैं वो कितना होता है हमारा, हाफ हिप माइनस 5 inches, जितना भी हमारा हिप है उसको हम 5 inches कर देते हैं। और ये हमारा रहता है 5 to 6 हमारा रहता है, हाफ हिप माइनस 3 inches रहता है। फिर इसको हम स्लैंटिंग ग्लास से मिला देते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं 3 to 4, ये हमारा ठीक है इक्वल टू कितना हो गया 0 to 2 के। अब हम 0 to 5 हमारा 1/3 हिप प्लस 2 inches, ये हमारा सीट वाला एरिया हो गया, हम इसको तैयार करेंगे। और 5 to 6 हमारा कितना रहेगा, अभी मैंने आपको बताया हाफ हिप प्लस माइनस 3 inches, हाफ हिप माइनस 3 inches हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं 5 to 6 हो गया हमारा। अब हम 0 to 7 जो भी हमने ली नी लेंथ ली है, जो भी हमारी नी लेंथ है वो हम लेते हैं। 0 to 7 हमारा नी लेंथ हो गया। अब 0 to 8 हमारा कितना होगा, काफ लेंथ हो गई जो भी हमारी। ठीक, फिर हम क्या करते हैं इसको 8 to 10 हमारा हाफ काफ हो गया। इसी तरीके से हम 7 to 9 हाफ जो राउंड हमने नी का लिया वो लेंगे। ठीक, और अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने 0 to 11 लिया है हमने, अब जो हमने ये 11 हो गया हमारा और ये 11 dash हो गया, तो हमने जो भी हमने इसका बॉटम लिया है हाफ बॉटम कितना लिया हमने, जो 1 to 11 है हमारा हाफ बॉटम लिया, और ये 1 to 11 और 1 dash to 11 dash हमारा कितना हो गया, सेम जो भी हमने हाफ बॉटम लिया वही लेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, ठीक इसको हम स्ट्रेट लाइन की तरह बना देते हैं। अब क्या करते हैं हम ज्वाइन 6, 9, 10 और 11 इसको हम यहाँ से हमने इसको कर्व दिया और ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। इस तरीके से हमने जो डायग्राम में हमने बना रखा है उसको हम क्या करेंगे, एक पूरा चूड़ीदार का हम ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं। फिर हमने जो आपको थैली बनाने का मेथड बनाया उस पर रख करके हम इसे काट सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी होती है, थोड़ी सी हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा हमारा ओरेब कपड़ा यानी कि हमारा बायस में रहता है, इसलिए इसमें इलास्टिक जैसी खिंचावट होती है, तो इसको सिलाई करते समय हमने थोड़ा सा संभाल के सिलाई करनी होती है। सादा सिलाई इसमें टूट जाती है, प्रेस सीमिंग का प्रयोग करके सिलने के लिए से मतलब करना पड़ता है। बॉटम में नेफा मोड़ते समय इसमें बल नहीं देनी चाहिए, हमें ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है हमारा चूड़ीदार एकदम परफेक्ट स्टिचिंग आती है।
अब क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा और हम नोट करते हैं कि ड्राफ्ट बनाते समय थैली के दोनों सिरों पर लंबाई के जोड़ आमने सामने लाने चाहिए, ताकि वे दोनों जोड़ पत्रन में आसानी से ऊपर आ जाएं, मोहरी के नीचे नहीं। मोहरी में कोई भी जोड़ नहीं आता। यदि थैली बताए गए नाप के अनुसार नहीं लेंगे तो एक तो पजामी अजीब सी बन जाएगी और दूसरी में जोड़ा जाएगा। इसीलिए जब हम थैली काटते हैं तो इसको हमेशा हम इस फॉर्मूले के साथ बनाते हैं जो हमें फॉर्मूला लिया है, बॉटम का हाफ सीट का भी हाफ प्लस 4 सेंटीमीटर। तो आप इसे देखेंगे, जब हमारे पास अगर फैब्रिक अगर चौड़ाई में भी कम है, विड्थ वाइज भी कम है, तो हमारी परफेक्ट इसमें कटिंग हो जाती है जिस नाप से भी हमें बनाना है। तो इसी जानकारी के साथ मैं यही सब समाप्त करती हूँ। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद को भी सुरक्षित रखिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू।